अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ यूसुफ शकील, आपका कमर्शियल ज्योग्राफी का इंस्ट्रक्टर। और आज मैं फिर से आया हूँ आपको कमर्शियल ज्योग्राफी का एक नया टॉपिक सिखाने। चलिए मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप जो ना पिछले लेक्चर्स रिवाइज कर रहे हैं, अभी भी हम लोग चैप्टर 2 अर्थ ही कंटिन्यू करेंगे। चलिए मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ आपको मेरी स्क्रीन नजर आ रही होगी। कमर्शियल ज्योग्राफी सिंध बोर्ड HSC Part 2। लास्ट टाइम हमने इंटरनेशनल डेट लाइन और GMT टाइम जोन एक्सेट्रा पढ़ा था। आज हम इस कंटिन्यू करेंगे एक नया टॉपिक, उसका नाम है ज्योग्राफिकल रीजन और ज्योग्राफिकल जोन। बेसिकली इसमें कुछ भी नहीं है, जैसा कि हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा था कि देयर आर टू इमेजिनरी लाइन्स, द वन विच आर परपेंडिकुलर दे आर कॉल्ड लॉन्गिट्यूड एंड द वन विच आर पैरेलल टू द इक्वेटर दे आर कॉल्ड लैटिट्यूड। जो इक्वेटर के पैरेलल पे होती हैं, यानी साथ साथ बराबर होती हैं, उन्हें हम लैटिट्यूड कहते हैं, और जो के परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री एंगल्स के ऊपर इक्वेटर को कट करी होती हैं, उन्हें हम लॉन्गिट्यूड कहते हैं। और उन्हीं लैटिट्यूड को यूज करते हुए हमने दो लाइन्स हमने आइडेंटिफाई की थी। वो एक लाइन थी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और एक लाइन थी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की हमने क्या डेफिनेशन डिस्कस की थी, वो ये थी कि इट इज एट 23 डिग्री नॉर्थ ऑफ इक्वेटर। और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन की हमने ये डेफिनेशन डिस्कस की थी कि इट इज एट द 23 डिग्री साउथ ऑफ इक्वेटर। बस उन्हीं उसी कॉन्सेप्ट की आज कंटिन्यूएशन है। आज कुछ भी नया टॉपिक नहीं है, आज बस उसी कॉन्सेप्ट की कंटिन्यूएशन है। अगर आप अभी तक पढ़ते आ रहे हैं और सारे लेक्चर्स को याद रखा हुआ है आपने, जो कि मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि आपको कमर्शियल ज्योग्राफी सीखने के लिए आपको सिर्फ दो चीजें चाहिए, एक आपको चाहिए मेमोरी और दूसरा आपके नंबर अच्छे होने चाहिए। तो आज आपकी मेमोरी का टेस्ट है। वो क्या टेस्ट है कि हमने जो पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इज एट 23 डिग्री नॉर्थ ऑफ इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन इज एट 23 डिग्री साउथ ऑफ इक्वेटर। तो उसी मेमोरी का टेस्ट करते हुए मैं इन दो लाइनों को हाईलाइट कर रहा हूँ। ये देखिए, मैंने आपको इन दो लाइनों को हाईलाइट कर दिया। सिर्फ ग्लोब के ऊपर इन दो लाइनों को हाईलाइट किया और हमारा टॉपिक क्या है, ज्योग्राफिकल जोन। ऑटोमेटिकली आपको एक जोन नजर आ रहा है ग्लोब के ऊपर। जी हाँ, बिल्कुल यही ज्योग्राफिकल जोन हम डिस्कस करेंगे। ये हमारा पहला ज्योग्राफिकल जोन है जिसका नाम है ट्रॉपिकल जोन या फिर टॉरिड जोन। ट्रॉपिकल जोन कैसे? बिकॉज इट इज इन बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। इज वेरी इजी टू रिमेम्बर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बीच में जो भी जोन होगा वो ज्योग्राफिक वो ट्रॉपिकल रीजन कहलाएगा या फिर टॉरिड जोन कहलाएगा। वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, इसमें कोई समझने वाली बात नहीं है, इससे सिर्फ कॉन्सेप्ट की बात है। अच्छा, इसी तरह हमने इन्हीं लैटिट्यूड्स को यूज करते हुए वी हैव डिवाइडेड द ग्लोब इंटू 5 रीजन्स, जो कि इस चार्ट में आपको ऑलरेडी नजर आ रहा है कि एक तो ये ट्रॉपिकल रीजन हो गया, टॉरिड जोन हो गया, उससे ऊपर क्या है टेम्परेट रीजन है, उससे ऊपर क्या है पोलर रीजन है। इसी तरह ट्रॉपिकल रीजन के साउथ में भी टेम्परेट रीजन है बिटवीन 23 डिग्री एंड 66 डिग्री लैटिट्यूड, और उसके नीचे पोलर रीजन है बिटवीन 66 डिग्री एंड द साउथ पोल 90 डिग्री। ये देखिए, मैंने आपको हाईलाइट कर दिया है। इट्स वेरी इजी, ट्रॉपिकल जोन, ट्रॉपिकल ट्रॉपिकल रीजन रेड में, ब्लू में टेम्परेट रीजन, इसमें कोई रट्टा लगाने वाली बात नहीं है। और टेम्परेट रीजन की क्या डेफिनेशन होगी, बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड द अंटार्कटिक सर्कल, दिस इज कॉल्ड टेम्परेट रीजन। समझ में आ रहा है आपको? और ऊपर क्या होगा, बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड आर्कटिक सर्कल, या फिर इन अदर वर्ड्स बिटवीन 23 डिग्री लैटिट्यूड टू द नॉर्थ ऑफ इक्वेटर एंड द 66 डिग्री लैटिट्यूड टू द नॉर्थ ऑफ इक्वेटर। इन अदर वर्ड्स और इन अदर इमेजिनेशन आई हैव मेड इट ब्लू, ताकि आपको समझने में आसान हो जाए। टेम्परेट, देयर आर टू टेम्परेट रीजन, ओनली वन ट्रॉपिकल रीजन एंड अब इस क्योंकि हमने अभी डिस्कस किया था कि देयर आर 5 जियोग्राफिकल रीजन, तो अभी तक हमने सिर्फ 3 डिस्कस किए हैं कि ट्रॉपिकल रीजन, टेम्परेट रीजन नंबर 2
फिर क्या है पोलर रीजन। पोलर रीजन की क्या डेफिनेशन होगी, एस इट इज डिपेक्टेड फ्रॉम द नेम, जैसे नाम से ही जाहिर है कि इट हैज समथिंग टू डू विद द पोल्स, जो कि नॉर्थ या साउथ पोल्स है उससे ही कुछ लेना देना होगा इसका, जब इसका नाम पोलर रीजन है। और इसकी डेफिनेशन क्या है, इट इज बिटवीन नॉर्थ पोल एंड द आर्कटिक सर्कल। ये इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ वन मोमेंट, ताकि आपको समझने में आसानी हो। इसका कलर मैं क्या करूँ, इसका कलर मैं कर देता हूँ ऑरेंज कर देता हूँ। बिटवीन नॉर्थ पोल एंड द आर्कटिक सर्कल, और साउथ वाले में क्या होगा, बिटवीन द साउथ पोल एंड द अंटार्कटिक सर्कल। वेरी इजी, क्योंकि साउथ में अंटार्कटिका होता है और नॉर्थ पे आर्कटिक सर्कल होता है। तो इसमें अगेन यू डोंट नीड टू रट्टाफाई एनीथिंग, आपको कोई रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। कमर्शियल ज्योग्राफी इज वेरी इजी इफ यू नो योर मैप्स, और ये सारी गेम जो ना मैप्स की है। तो हमने इस स्लाइड में क्या सीखा कि देर आर फाइव होमोजेनियस ज्योग्राफिकल रीजन्स, और उन फाइव को हमने लैटिट्यूड वाइज डिवाइड किया हुआ है। ट्रॉपिकल रीजन क्या है या टॉरिड जोन क्या है, वो ये है कि इट्स बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये डेफिनेशन नंबर वन हो गई। लेकिन आपने अगर ज्यादा मार्क्स लेने हैं तो आप ये भी बोलेंगे, अब आपने थोड़ी मैथ्स भी डालनी है, बिटवीन 23 डिग्री नॉर्थ ऑफ इक्वेटर एंड बिटवीन 23 डिग्री साउथ ऑफ इक्वेटर। अंडरस्टैंड, यानी लेफ्ट साइड पे आपने फिगरेटिवली बताया और राइट साइड में आपने नंबर्स के थ्रू बता दिया। बिटवीन यानी लेफ्ट साइड पे आप बता रहे हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, लेकिन आपने पास तो नहीं होना, आपने तो अच्छे मार्क्स लेने, तो आप ये भी बताएंगे बिटवीन 23 डिग्री नॉर्थ ऑफ इक्वेटर एंड बिटवीन 23 डिग्री साउथ ऑफ इक्वेटर। इसी तरह टेम्परेट रीजन की क्या डेफिनेशन है, देर आर टू टेम्परेट रीजन, जो नॉर्थ वाला टेम्परेट रीजन है उसकी डेफिनेशन क्या होगी, बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड आर्कटिक सर्कल, और इसकी नंबर वाइज क्या डेफिनेशन होगी, बिटवीन 23 डिग्री लैटिट्यूड टू द नॉर्थ ऑफ इक्वेटर एंड बिटवीन 66 डिग्री लैटिट्यूड टू द नॉर्थ ऑफ इक्वेटर। वेरी इजी। और टेम्परेट रीजन नंबर टू की क्या डेफिनेशन होगी, बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन एंड अंटार्कटिक सर्कल, और नंबर वाइज क्या डेफिनेशन होगी, बिटवीन 23 डिग्री साउथ ऑफ इक्वेटर एंड बिटवीन 66 डिग्री साउथ ऑफ इक्वेटर। ये तीन रीजन हो गए। अब हमारा जो चौथा और पांचवा रीजन है वो क्या है, पोलर रीजन्स। पोलर रीजन, देयर आर टू पोलर रीजन बिकॉज देयर आर टू पोल्स। पहले की क्या डेफिनेशन होगी, होगी बिटवीन आर्कटिक सर्कल एंड द नॉर्थ पोल, और इसकी नंबर वाइज क्या डेफिनेशन होगी, बिटवीन नॉर्थ पोल 90 डिग्री लैटिट्यूड टू द 66 डिग्री लैटिट्यूड। इसी तरह पोलर रीजन नंबर टू जो कि साउथ पे होता है, उसकी क्या डेफिनेशन होगी, बिटवीन अंटार्कटिक सर्कल एंड द साउथ पोल, और नंबर वाइज क्या डेफिनेशन होगी, बिटवीन 66 डिग्री लैटिट्यूड टू द साउथ एंड द 90 डिग्री लैटिट्यूड और द साउथ पोल। तो इट्स वेरी इजी, इतना कॉम्प्रिहेंसिव, इतने आसान तरीके से शायद ही आपको कोई समझाए कि देर आर सर्टेन ट्रिक्स टू रिमेंबर द रीजन्स एंड दीज आर द ट्रिक्स। इसको मैंने कलर वाइज भी डिवाइड कर दिया है, उसके आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ताकि आपको जब आप मैप जब एग्जाम कर रहे होंगे तो आपके जहन में पूरा एक कलर वाइज मैप आ जाएगा। होपफुली यू विल बी एबल टू रिमेम्बर एवरीथिंग। चलिए अब मैं अगली स्लाइड पे आता हूँ। इस स्लाइड पे क्या लिखा हुआ है, ये स्लाइड बिल्कुल पिछली वाली स्लाइड की कंटिन्यूएशन है, क्योंकि मैंने जज्बात में बहकर पिछली स्लाइड में ही अगली स्लाइड बढ़ा दी। कोई बात नहीं, हम इसको दोबारा से थोड़ा सा और मजीद एडिशन के साथ पढ़ लेंगे। वो क्या है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इज 23 डिग्री नॉर्थ ऑफ लैटिट्यूड टू द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23 डिग्री साउथ ऑफ लैटिट्यूड। अगेन ये वही चीज रिपीट कर रहा है जो कि मैंने आपको पहले पढ़ा चुका हूँ। इसमें हम थोड़ी डिटेल में आपको बता रहा हूँ कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, जो कि बेसिकली ट्रॉपिकल रीजन है, इसका जो क्लाइमेट होता है इट इज वन ऑफ द हॉटेस्ट इन द वर्ल्ड, और इसके दो सीजन होते हैं, एक ड्राई सीजन होता है एक वेट सीजन होता है। क्यों, क्योंकि इक्वेटर लाइन इसके सेंटर से गुजर रही होती है, और इक्वेटर लाइन पे डायरेक्ट सन परपेंडिकुलर पड़ रहा होता है, सन इज डायरेक्टली ओवर ओवर हेड द इक्वेटर। तो इसकी वजह से दैट क्लाइमेट इज वेरी हॉट ऑन द इक्वेटर। कभी आप ये नहीं सुनोगे इक्वेटर का कोई कंट्री है और वहां पे बर्फबारी हो रही है। द क्लाइमेट इज हॉट एंड वेट।
चलिए अगली स्लाइड पे आता हूँ। ये मैप है ऑफ द ट्रॉपिकल रीजन्स। अगेन ये मैं आपको पिछली स्लाइड में, जैसा कि मैंने जिक्र किया था, मैं जज्बात में आके पूरा मैप मैंने बना दिया था स्लाइड नंबर 1 में। तो ये वही वाली मैप आपके पास जो ना बना हुआ है यहाँ पे दोबारा से। क्या बना हुआ है? ये जो पिंक में है ये ट्रॉपिकल, ये आपका ट्रॉपिकल रीजन हो गया, ये टेम्परेट रीजन 1, ये टेम्परेट रीजन 2, और ये ऊपर पोलर रीजन 1, ये पोलर रीजन 2। इसको हम पोलर रीजन को फ्रिजेड जोन भी कहते हैं। फ्रिजेड मतलब ठंडा, ये फ्रिज से नहीं निकला, ये फ्रिजेड से निकला है। फ्रिज मतलब इस पे कोई असर नहीं होता, यहाँ पे साल साल बर्फ जमी रहती है, इसलिए ये फ्रिजेड कहलाता है। ट्रॉपिकल, ट्रॉपिक्स से निकला है, ट्रॉपिक्स मतलब यानी यहाँ पे जंगलात, यहाँ पे पेड़, यहाँ पे जानवर वगैरह यहाँ पे आपको ज्यादा मिलेंगे। टेम्परेट मतलब नॉर्मल, टेम्परेट का वर्ड इंग्लिश का जो डिराइव हुआ है वो टेम्परेट से हुआ है, वो इसका मतलब है कि एवरेज, यहाँ जो टेम्परेट रीजन है वहाँ पे एवरेज क्लाइमेट होगा, इट विल नॉट बी हॉट और नॉट नॉट एक्सट्रीमली हॉट लाइक इन द इक्वेटर रीजन। तो अब हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि ट्रॉपिकल रीजन में कौन कौन से कंट्रीज आते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में वो हम डिस्कस करेंगे। जी, एज यू कैन सी इन द पिंक एनोटेशन, यहाँ पे जो पिंक हाईलाइटेड एरिया है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में, वो पूरा ट्रॉपिकल रीजन है। और इसमें कौन कौन से कंट्रीज आते हैं? मोस्ट ऑफ अफ्रीका, बिल्कुल सही है। देखिए हम पूरा यानी सेंट्रल अफ्रीका और सदर्न टिप तक आ रहा है पूरा अफ्रीका में, एक्सेप्ट फॉर द सहारा, सहारा डेजर्ट टू द नॉर्थ, पूरा अफ्रीका हमारा कवर हो रहा है ट्रॉपिकल रीजन से। और साउथ एशिया, साउथ अमेरिका का जो सब कॉन्टिनेंट है जिसमें ब्राजील, बोलीविया, कोलंबिया, वेनेजुएला, पेरू, ये सारे कंट्रीज, और ये छोटी छोटी कंट्री गुयाना वगैरह, और ये सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज, मेक्सिको की सदर्न टिप, ये पनामा कैनाल जहाँ से आती है, पनामा, इक्वेडोर, ये सारे कंट्रीज जो ना साउथ अमेरिका में कहाँ पे आते हैं? ट्रॉपिकल रीजन में। एशिया में इंडिया की सदर्न टिप आती है, श्रीलंका आता है, और पूरा इंडोनेशिया आता है, ऑस्ट्रेलिया की नॉर्दर्न हेमिस्फेयर आता है, और ये बर्मा, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, फिलीपींस, ये सारे जो कंट्रीज हैं ये सारे ट्रॉपिकल रीजन में आते हैं। ट्रॉपिकल रीजन की क्या खासियत है? यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा बारिश मिलेगी और बहुत ज्यादा आपको यहाँ पे जंगलात मिलेंगे। आपने सुना ही होगा अफ्रीका के जंगलात, इसी तरह आपने अमेजन के जंगलात भी सुने होंगे। अमेजन दुनिया का सबसे बड़ा रेन फॉरेस्ट है। इसके अलावा आपने बर्मा के जंगलात भी सुने होंगे, अगर आपने सेकेंड वर्ल्ड वॉर पढ़ी है तो। वहां पे इंग्लैंड और जापानीज के बीच में बर्मा के जंगलात में बहुत सी जंग हुई थी। इसी तरह आपने इंडोनेशिया के जंगलात के बारे में भी पढ़ा होगा, और आपने फिलीपींस के जंगलात के बारे में पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, बस आप ये याद कर लें कि ट्रॉपिकल रीजन में जंगलात और बारिश की फरावानी होती है। यहीं पे हमारा लेक्चर इख्तिताम पजीर होता है। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये लेक्चर आज इंटरेस्टिंग लगा होगा। इसमें कुछ समझने वाली बात नहीं थी, सिर्फ कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग की रिक्वायरमेंट थी। तो बिफोर आई एंड द लेक्चर, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू टू काइंडली सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड प्लीज फॉलो अस ऑन द इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड अदर सोशल नेटवर्क्स। वाई? बिकॉज वी आर वर्किंग सो हार्ड टू प्रोवाइड यू यू नो वैल्यूएबल लेसन्स एंड कोर्सेज विदाउट एनी कॉस्ट। सो प्लीज गिव अस अ गुड फीडबैक, सब्सक्राइब टू आवर वीडियोज, गिव अस अ लाइक, सो दैट वी कैन कंटिन्यू प्रोवाइडिंग यू ग्रेट कंटेंट। थैंक यू वेरी मच। मैं हूँ यूसुफ शकील, आपका कमर्शियल ज्योग्राफी का इंस्ट्रक्टर। अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज।